यहाँ हम खड़े हैं तो उन्हीं की वजह से खड़े हैं, इनका सब कुछ उन्हीं का किया हुआ है, ममता दीदी का। हाँ, लेकिन वोट आप बीजेपी को देंगे? हाँ। उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं, लड़कियां आपको लगता है? हाँ है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नीतू भारती। नीतू भारती जी, अवध किशोर गुप्ता जी का नाम जानती हैं? नहीं जानते हैं। भाजपा से उम्मीदवार हैं यहाँ के पोर्ट विधानसभा के, दो बार पहले भी चुनाव लड़े हैं, वोट देने जाते हैं आप? हाँ। तो अवध किशोर गुप्ता को नहीं जानते हैं? बॉबी हकीम का नाम सुनिए। हाँ, कौन है बॉबी हकीम? पता नहीं, यही तो बनवाए हैं मंदिर शायद। हाँ, मंदिर बनवाए हैं। चुनाव उनाव में आपको कौन पसंदीदा उम्मीदवार लगते हैं, बॉबी हकीम? देखा जाएगा। अवधेश जी, दोनों ही ठीक है। देखो तो आप जानते ही नहीं तो ठीक कैसे हैं? मैंने भाजपा से है तो भाजपा को तो जानते ही है, भाजपा भी पार्टी ठीक ही है, ठीक है। और भाजपा की तरफ झुकाव है आपका? नहीं, दोनों हम किसी का तरफ झुकाव नहीं है, ना किसी का पार्टी। तो वोट तो किसी के को दीजिएगा नीतू जी? जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट देगा आदमी, और क्या। मोदी जी अच्छा अच्छा काम किए कि नहीं, ये बताइए हम। वो भी किए हैं, ममता दीदी भी की है, दोनों। कौन ज्यादा अच्छा काम किए, मोदी जी ममता जी? कोई एक को चुनना हो? ममता दीदी भी अच्छा की है काम यहाँ पर। एक को बोले मोदी जी की ममता, हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा, मोदी जी रोजगार वगैरह दे रहे हैं? तब प्रश्न है, रोजगार दे रहे हैं कि नहीं मोदी जी? पता नहीं, रोजगार दे रहे हैं इसीलिए तो सब बेरोजगार पड़ा हुआ है यहाँ दुनिया में। महंगाई, तेल पेट्रोल करुआ तेल, महंगाई तो पूरा बढ़ा हुआ है। बिहार में कहाँ से आप? छपरा जिला। आप भी छपरा से? भोजपुरी वगैरह बोल? दोनों आदमी एक ही। हाँ, पूरा भोजपुरी क्यों नहीं बोलेंगे? मेरा जाते कि नहीं? जाते आते हैं, हम लोग का घर है वहाँ। महंगाई है, बेरोजगारी है? नहीं बेरोजगारी। हस्बैंड यहाँ क्या करते हैं? नहीं, जॉब करते हैं यही पार्क होटल में। तो आप लोगों को मोदी जी भी पसंद है, ममता दीदी भी? तो यहाँ का जो की? नहीं कोई सुन रहा? नहीं नहीं नहीं, नहीं बता सकते। मोदी जी ठीक लग रहे हैं, समझ रहे हैं? नहीं, ऐसे कैसे बता सकते हैं कि कौन अच्छा लगता है? अभी जब वोट होगा, जीतेगा तब पता चलेगा कौन। जीत जाएगा तब तो किसका पलड़ा भारी है? हाँ, ये हम जानते हैं। अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन पलड़ा किसी एक का भारी है ही। जैसे आस पड़ोस टोला मोहल्ला गप सब सुनते हैं, महिलाओं में गप होता है, क्या लगता है महिलाओं की राय, हम जानना चाहते हैं? हम उतना महिलाओं में नहीं जाते हैं। गप वप नहीं करते तब पते नहीं चलेगा आप। फिर घर वाले जिसको कहेंगे उसी को वोट दीजिएगा? वही बात हमको भी लग रहा है, अपना मन से वोट नहीं दीजिएगा? कहे अपना मन से भी देंगे, सबका अधिकार है अपना। यही अधिकार है। तो बॉबी हकीम और अवध किशोर गुप्ता जी कौन है वो पसंद है, अच्छा जो काम करते हैं? बॉबी हकीम जो बनाए हैं मंदिर, बॉबी हकीम जो मंदिर वो ठीक है अभी के लिए? तो वही ठीक है अभी के लिए, वही ठीक है। इतना देर कहे लगा पहले बोल देते। अंजलि सिंह। अंजलि सिंह, आप भी बिहार से रहने वाले हैं? नहीं, यूपी के। यूपी में कहाँ से? बलिया जिला। बलिया, यहाँ रहते हैं बंगाल में, यहीं जन्म वगैरह हुआ है? हाँ। अच्छा, तो इस बार चुनाव का माहौल है, आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं यहाँ, योगी आदित्यनाथ, तो क्या लगता है कि इस बार माहौल किसका है यहाँ पर कोर्ट विधानसभा में? लग तो रहा है कि उन्हीं का है। किनका? योगी जी का। योगी जी? हाँ। आप लोग बीजेपी को वोट देंगे? हाँ। बॉबी हकीम को? जो आपका दिल कहता है वही बॉबी? बॉबी हकीम को नहीं देते हम लोग, बीजेपी को देते हैं। ममता दीदी कैसी लगती है? अच्छी है, हमारे लिए बहुत कुछ करती है वो। हाँ। लेकिन वोट यहाँ हम खड़े हैं तो उन्हीं की वजह से खड़े हैं, इनका सब कुछ उन्हीं का किया हुआ है, ममता दीदी का। हाँ, लेकिन वोट आप बीजेपी को देंगे? हाँ। क्यों? क्यों मतलब क्या हमारा? आप यूथ हैं, आप इसलिए पूछ रहे हैं, रोजगार का मसला है, हाँ, पढ़ाई का, अब महिला सुरक्षा का मामला। उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं, लड़कियां आपको लगता है? हाँ है। सुरक्षित हैं, रोजगार मिल रहा है, मोदी जी दे रहे हैं? नहीं, वो नहीं दे रहे। तब लेकिन आप ईमानदारी से बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी हिंदू की पार्टी, इसलिए आप बीजेपी की तरफ वोट देना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्यों बीजेपी पसंद है? ऐसे सुनने में आता है कि लोग बीजेपी को ज़्यादा वोट देते हैं। कहाँ से सुनने में आता है ये?
टीवी में, टीवी में और ऐसे लोगों से भी सुनने को मिलता है। अच्छा, कौन टीवी आप न्यूज चैनल देखते हैं? आज तक, एबीपी न्यूज। हाँ, इस सब में क्या दिखाते हैं? नहीं देखिए, लोग ऐसे बोलते हैं बीजेपी बीजेपी या फिर ममता बोलते हैं, लेकिन वोट वो किसको दे रहे हैं आपको देखने तो नहीं जाते, नहीं जाते, लेकिन माहौल पता चलता है, सर्वे होता है, ओपिनियन पोल से है, वैसा है कि यहाँ से ममता दी को ही वोट मिलेगा। लेकिन आप बीजेपी को देना चाहेंगे? हाँ, काम दीदी करती है, दीदी की बदौलत आप हैं यहाँ, लेकिन वोट देंगे बीजेपी को, है ना? हाँ, रोजगार नहीं देते मोदी जी, लेकिन वोट बीजेपी को। चलिए, धन्य है आप लोग। क्या नाम हुआ आपका? कंचन बाला। आप लोग रहने वाले कहाँ से हैं बेसिकली? बिहार से। बिहार में कहाँ? उधर छपरा जिला। छपरा के लोग इधर ज्यादा रहते हैं? हाँ, छपरा। यहाँ चुनाव में क्या माहौल है इस बार? लोग तो ज्यादा करके टीएमसीए का कह रहे हैं कि वोट पड़ेगा। टीएमसीए का कह रहे हैं? हाँ, बॉबी हकीम है वो। हाँ, यहाँ का काउंसिलर वही है। अच्छा, उन्हीं का वोट सब तो ये किया धराया सब उन्हीं का है। किनका है? ये बबीदा का। बबीदा अच्छा काम करते हैं? ये सब तो वही किए हैं, यहाँ के जितना ये सब काम जो किए हैं विकास का। हाँ, हाँ, सब वही किए हैं बबीदा। हाँ, और ये बीजेपी वाले कुछ करते हैं काम? नहीं, बीजेपी वाले का तो यहाँ कोई बोलबाला ही नहीं है। बोलबाला नहीं है? अच्छा, मोदी जी का बोलबाला है? नहीं, ये भी हम नहीं जानते। हम जितना भी यहाँ जब से आए हैं, हाँ, तब से जो भी कुछ देखे हैं सब अभी तक किए हैं। हाँ, अब मोदी जी प्रचार करते हैं कि हमको भाजपा को वोट दीजिए, तब प्रभावित होते हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग बिहार यूपी वाले नहीं हैं, जो काम, जो मेरा काम करता है उसी को हम तो चाहेंगे ना। हाँ, मोदी जी तो यहाँ पर काम नहीं किए हैं तो हम उनको क्या चाहेंगे? मोदी जी रोजगार वगैरह देते हैं वहाँ? यहाँ उनका हम कुछ नाम ही नहीं सुनते हैं, जो भी नाम सुनते हैं बबीदा का नाम सुनते हैं, बबीदा ये किए वो किए, जो भी किया हुआ है। प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जो कुछ भी काम होता है तो बोलता है लोग के, यहाँ चलिए बबीदा के पास, चलिए बबीदा के पास, चलिए जाते हैं काम हो जाता है। हाँ, ठीक। तो वोटर आप यहाँ के हैं? जी, यहीं के। और वैसे कहाँ से रहने? बिहार यूपी? यूपी। यूपी में कौन जिला बताए? जौनपुर। जौनपुर। तो यहाँ पर चुनाव का क्या माहौल लग रहा है? यहाँ तो टीएमसी का ही लग रहा है जैसा है, हम लोग फतेह गार्डन रीच में रहते हैं तो वहाँ तो जैसा है। अब देखिए, अच्छा। विधायक जी काम करते हैं यहाँ के? कौन? बॉबी हकीम है। एक्चुअली हम कहीं और से मैरिड होकर अभी यहाँ आए हैं, तो यहाँ का हम उतना बोल नहीं पाएंगे, लेकिन बाहर जो सुनते हैं तो वहाँ तो अभी सुनते हैं ये सब लोग हैं वहाँ, सब जो कल्चर है टीएमसी। ससुराल में अभी नहीं आए हैं? हाँ, तो क्या पता चलता है कि यहाँ का क्या माहौल है टीएमसी का? बीजेपी टीएमसी का ही लग रहा है। पहले कहाँ रहती थी आप? पहले हम लोग बजबज में थे। कहाँ? बजबज। अच्छा, उधर का क्या माहौल रहता है? वहाँ तो हम लोग जब तो थे तब तक तो आपका टीएमसी ही था। टीएमसी ही थे। अच्छा, तो महिलाएं हैं यूपी बिहार वाली है, और यहाँ पर पोर्ट विधानसभा में ये लोग से बात किए। कुछ लोग का कहना है कि टीएमसी को वोट देंगे। एक लड़की से भी बात की, वो बोली कि जो कुछ भी हैं जहाँ भी हम हैं टीएमसी की वजह से, ममता बनर्जी की वजह से, लेकिन वोट देने क्या होगा तो देंगे बीजेपी को। तो प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि इन लोगों के बातों से आप कितने सहमत हैं, कैसा लगा। कमेंट करिए ज़रूर, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए घंटी बजा के। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएँ। यूट्यूब चैनल का सफ़र जारी है। जय भीम, जय भारत।